बच्चों आज हम गणित विषय में कक्षा 5 की प्रश्नावली 2 के 3 व 4 अंक की संख्याओं के हासिल के जोड़ व घटाव समझेंगे। बच्चों जोड़ घटाव में संख्याएं लिखने में ध्यान रखना चाहिए। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़े के नीचे सैकड़े का और हजार के नीचे हजार का अंक लिखा जाएगा। और जोड़ या घटाने में दाहिनी तरफ यानी इकाई के अंक की तरफ से ही जोड़ या घटाव शुरू करते हैं। इकाई की तरफ से जोड़ते हैं हम 5 और 6, चाहे इनको गिन कर जोड़े या लाइन खींच कर जोड़े। 5 और 6 को जोड़ने पर होंगे 11। जब जोड़ने पर 2 अंक की संख्या आती है तो इसमें इकाई वाले अंक को नीचे लिखेंगे और दहाई वाले अंक को इसके बाईं तरफ वाली संख्या में ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 1 और 7 और 4 को जोड़ना है। 1 और 7 हो गए 8, 8 और 4 होते हैं 12। 12 में इकाई का अंक 2 नीचे लिखा जाएगा और दाई के स्थान पर आने वाला 1 इससे अगली लाइन में हासिल लगा दिया जाएगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और उसमें 1 और जोड़ेंगे तो 2 हो गए। इनको जोड़ने पर 2 अकेला अंक है इसलिए हासिल नहीं लगेगा। 6 और 3 9, 9221, 9421 में से 8372 को घटाना है। घटाने की क्रिया भी इकाई की तरफ से करेंगे। 1 में से 2 कम करना है। जब ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल लेना होगा। तो दहाई वाले अंक 2 में से 1 हासिल लेंगे तो 2 के स्थान पर तो कम होके 1 रह गया और इस 1 के पास 1 लगाने पर इसकी जगह 11 हो गई। 11 में से 2 कम करेंगे तो 9 बचे, 2 के स्थान पर 1 रह गया तो 1 में से भी 7 कम नहीं हो सकते। अब अगली बाईं तरफ की संख्या 4 में से 1 हासिल लेना होगा तो 4 में से 1 हासिल लेंगे तो 1 कम हो गया, यहाँ तो 3 ही रह गए और 1 हासिल लेके इस 1 के पास लगाने पर ये 11 हो गए। 11 में से 7 कम करेंगे तो 4 बचे, यहाँ 3 है नीचे भी 3 है, 3 में से 3 कम करेंगे 0, 9 में से 8 कम करेंगे 1, 1049। जोड़िए 5113, 1999, 638। इस तरह लिखी हुई संख्या को पहले ऊपर नीचे लिखते हैं। और 638 इसमें 3 ही अंक है तो इकाई की तरफ से 1-1 अंक आएगा तो यहाँ 3 अंक के नीचे 3 अंक आएंगे, हजार वाली संख्या के नीचे कोई अंक नहीं आएगा। तो 638 को हम ऐसे लिखेंगे, 5 और 1 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है। इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 में इकाई का अंक 0 और दाएगी वाले 2 को इससे अगली संख्याओं पर हासिल लगा देंगे। अब 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 में भी 2 अंक आ गए तो इकाई वाला अंक नीचे लिखेंगे और दाएँ वाले अंक 1 को अगली संख्याओं पर हासिल लगा देंगे। 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 में इकाई का अंक 7 नीचे लिखा जाएगा और दाई वाले 1 को अगली संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 1 7, 7750। घटाइए 8344 में से 7986, इनको भी पहले ऊपर नीचे लिखेंगे। 8344 में से 7986, ये घटाने का चिन्ह लगा दिया। इकाई की संख्याओं को ही घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 4 में से 6, 6 बड़ी संख्या है कम नहीं हो सकते, इस 4 में अगली दहाई वाले 4 में से हासिल लेना पड़ेगा तो इस 4 में से 1 हासिल लेंगे तो इस 4 में तो कम हो गए 3 रह गए और इस 4 के पास 1 लगाने से यहाँ हो गए 14। 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 बचे। अब 4 के स्थान पर 3 रह गए, 3 में से भी 8 कम नहीं हो सकते, 8 बड़ी संख्या है तो अगली सैकड़े वाले 3 के पास से 1 हासिल लेना होगा
तो इस तीन में से एक हासिल लेंगे तो तीन में तो एक कम हो गए, दो रह गए, और इन तीन के पास एक और लग के ये हो गए 13। 13 में से 8 कम करेंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ दो रह गए, दो के नीचे 9 है, 2 में से 9 कम नहीं हो सकते, तो 8 में से एक हासिल लेना होगा। तो 8 में से हासिल लेते ही 8 में तो एक कम हो गया, 7 रह गए, और एक हासिल 2 के पास लगाएंगे तो यहाँ 12 हो गए। 12 में से 9 कम करेंगे 3 बचे, यहाँ 7 और नीचे भी 7 है, तो 7 में से 7 कम होंगे तो 0। अंत में बाईं तरफ आई हुई शून्य को संख्या के साथ नहीं बोला जाता है, तो ऐसे लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संख्या है 358। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए, बताओ उसने दो माह में कुल कितने रुपये जमा कराए। प्रश्न की भाषा से स्पष्ट है कि इसको जोड़ करना है। जनवरी माह में जमा कराए 2,850 रुपये, और फरवरी माह में जमा कराए 3,650 रुपये। इनको जोड़ना है, ठीक है, की तरफ जोड़ेंगे, शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य, पाँच और पाँच को जोड़ेंगे तो दस, दस में एकाएक अंक शून्य नीचे लिखा जाएगा और दाएं वाले एक को अगली संख्याओं पर हासिल लगाएंगे। एक और आठ नौ, नौ और छः पंद्रह, पंद्रह में पाँच इकाई वाला अंक नीचे लिखा जाएगा और दाएं वाला अंक एक अगली संख्याओं पर हासिल लगा देंगे। एक और दो तीन, और तीन छः, कुल जमा 6,500 रुपये। अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी, बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। इस प्रश्न में घटा होगा, यदि प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि रुचि ने अंशु से कितने रुपये कम में साइकिल खरीदी, या अंशु और रुचि की साइकिलों के मूल्य में कितना अंतर है, सभी स्थितियों में घटा होगा। घटाने के लिए बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है, छोटी संख्या नीचे। अंशु ने साइकिल खरीदी 2,999 रुपये में, रुचि ने साइकिल खरीदी 2,650 रुपये में, अंशु ने अधिक रुपये में खरीदी, घटाना है, 9 में से शून्य कम करेंगे तो 9, कुछ भी कम नहीं हुआ, 9 में से 5 कम करेंगे 4, 9 में से 6 कम करेंगे 3, और 2 में से 2 कम करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ शून्य नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 349 रुपये।